स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग कुछ उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें हमने रखा है आपके लिए MCQ क्वेश्चंस, फिर लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, है ना। तो MCQs में आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सार। सार का फुल फॉर्म क्या होता है? ये सीधा सीधा आंसर है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। फिर दूसरा क्वेश्चन हमने रखा है, विच फॉर्म ऑफ डोपा इज इनएक्टिव, यानी कि एक ड्रग है डोपा नाम की, ये हमने किस फॉर्म पर जाना है कि वो एक्टिव है और किस फॉर्म पर इनएक्टिव है। तो जिस फॉर्म पर इनएक्टिव होती है वो फॉर्म हमको आइडेंटिफाई करना है। तो जो डोपा का डी फॉर्म है, दैट इज इनएक्टिव फॉर्म। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हु इंट्रोड्यूसेस मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम, यानी कि आज जो मेडिसिन सिस्टम हम फॉलो करते हैं, मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम, उसके इंट्रोड्यूसर कौन थे, उसको इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम किसने किया था? तो एक ग्रीक साइंटिस्ट का नाम हमने पढ़ा था जिनका हिप्पोक्रेट्स नाम था, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है आपका, हु इंट्रोड्यूसेस QSAR एंड व्हेन। QSAR किसने इंट्रोड्यूस किया था और कब किया था? QSAR मतलब क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो इसको साइंटिस्ट हेंच ने 1960 में इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर केमिस्ट्री इज इंट्रोड्यूस्ड इन फार्मेसी क्यूरिकुलम, यानी फार्मेसी के क्यूरिकुलम में केमिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका आंसर है 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर एस्प्रिन वॉज इंट्रोड्यूस्ड। एस्प्रिन को किस साल ऑब्जर्व किया गया था, किस साल पाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 1899। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, प्रोप्रेनोलॉल इज यूज्ड एज बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर इन विच ईयर, यानी कि प्रोप्रेनोलॉल जो ड्रग है वो एक बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर है, ये हमको किस साल में ऑब्जर्व हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1964 में ये पाया गया था कि प्रोप्रेनोलॉल इज अ बीटा ब्लॉकर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेक्सोल इज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर, जो ड्रग है एंटी कैंसर ड्रग टैक्सोल नाम का, वो किस साल पाया गया था? तो उसका करेक्ट आंसर है 1995। फिजिको केमिकल फैक्टर्स रिफर्स टू, मतलब फिजिको केमिकल से आप क्या समझते हैं? देखिए यहाँ दो वर्ड है, फिजिक और केम, तो फिजिकल तो होगा ही और दूसरा होगा केमिकल, तो इसका आंसर है बी, फिजिकल केमिकल फैक्टर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th है, इफ़ अ ड्रग रेंजेस फॉर पीके बिटवीन 2 to 4, यानी कि एक कोई ड्रग है उसका जो पीके है, पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ एसिड जो है वो 2 to 4 है, तो उसका साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन बॉडी में कहाँ होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टमक, क्योंकि स्टमक का पीएच जो है वो रेंज 2 के अराउंड होती है, तो यहाँ पर हमारा ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल ड्रग विल हैव हाई बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी कि आपका ये ड्रग किसमें ज़्यादा सॉल्युबल है, लिपिड में ज़्यादा है कि वाटर में ज़्यादा है? अगर लिपिड में ज़्यादा है तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी होगी, वाटर में ज़्यादा है तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी होगी? अब आपने फाइंड करना है वो सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल जिसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो। तो ये याद रखिए, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैव मोर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टीशन कोफिशियंट इज डैश टू डिफ्यूजन ऑफ ड्रग अक्रॉस मेम्ब्रेन, मतलब आप पार्टीशन कोफिशियंट को और एक ड्रग की मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन को अगर कंपेयर करेंगे तो उन दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा? पार्टीशन कोफिशियंट बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन बढ़ेगा, कि पार्टीशन कोफिशियंट बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन घटेगा, या तो दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है?
तो सही आंसर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप पार्टीशन कोफिशिएंट बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन भी आपका बढ़ेगा। तो ये इस तरह से इन दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है और सही आंसर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं हम लोग। विच बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? आप कब कहेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी है? जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा रहेगा तब, या फिर जब हाइड्रोजन किसी भी एटम से जुड़ जाएगा तब। या तो हाइड्रोजन किसी से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा या हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देगा। तो सही आंसर है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग? हमने पढ़ा है प्रोटीन बाइंडिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पहला इंट्रा सेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, बोथ या नन ऑफ द बो। तो इसका इसमें देखिए आप, इंट्रा सेल्यूलर भी बॉन्डिंग होती है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी होती है। तो ये एक आंसर नहीं आएगा, सही आंसर होगा सी बोथ, क्योंकि क्वेश्चन में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग पूछा गया है। कौन सी प्रोटीन बाइंडिंग आपकी होगी? तो दोनों ही होती है, इसीलिए करेक्ट आंसर सी होगा, जहां पर दोनों के लिए बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15th क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, डैश इज यूज्ड एज चिलेटिंग एजेंट इन आर्सेनिक पॉइजनिंग। किसी पेशेंट को आर्सेनिक पॉइजनिंग हो गई है। अब आपको एक ऐसा चीज चाहिए जो वहां पर चिलेटिंग एजेंट का काम कर सके। तो सही आंसर इसका होता है डाइमर कैप्रोल। ये सभी के सभी चिलेटिंग एजेंट्स हैं, लेकिन पर्टिकुलर केस दिया है आर्सेनिक पॉइजनिंग का, तो वहां पर काम केवल डाइमर कैप्रोल करेगा। हमारा 16th क्वेश्चन है, इफ द लाइट गेट्स रोटेटेड टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, लीवो रोटेटरी इज ड्रग मॉलिक्यूल। ये आपका ड्रग मॉलिक्यूल है, इससे आपने लाइट भेजी, प्लेन पोलराइज लाइट। वो अगर राइट डायरेक्शन को रोटेट हो जाए तो क्या आप उसको लीवो रोटेटरी बोलेंगे? नहीं, जो राइट डायरेक्शन को रोटेट हो जाए उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, नहीं भाई, उसको हम लीवो रोटेटरी नहीं बुलाते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 17th क्वेश्चन में। आप इफ अ ड्रग इज गिवन बाई ओरल रूट, वॉट विल बी द साइट ऑफ फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म? आपने ओरल रूट से एक ड्रग एडमिनिस्टर किया है, तो उसका फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म कहाँ होगा? द करेक्ट आंसर है लीवर, बिकॉज इट कंटेन लॉट्स ऑफ एंजाइम्स। सबसे पहला साइट मेटाबोलिज्म का लीवर होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रो, एजो और कार्बोनाइल अंडरगोज विच टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म? अगर आपकी ड्रग है उसके अंदर इन तीनों में से कोई ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो ड्रग कौन से मेथड से मेटाबोलाइज होगी? तो इसका सही आंसर है रिडक्शन अंडरगोज फेज वन। नेक्स्ट है आपका कॉन्जुगेट्स फॉर्म्ड बाई फेज टू आर डैश एंड डैश। अब हमको ये पहचानना है कि अगर हमारा जो कॉन्जुगेट फेज टू में बनता है वो कैसे नेचर का है, क्या वो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। तो पहली बात होती है कि फेज टू के मेटाबोलाइट्स फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होते हैं। अब दूसरी बात है, ज़्यादा लिपिड सॉल्यूबल होते हैं कि कम लिपिड सॉल्यूबल होते हैं? तो वो हमेशा कम लिपिड सॉल्यूबल होते हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे तो सी करेक्ट आंसर है, फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होते हैं और लिपिड में भी वो लेस सॉल्यूबल होते हैं। लास्ट और 20th क्वेश्चन है, स्टेरॉयडल ड्रग्स अंडरगो विच टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन? आपकी ये ड्रग स्टेरॉयडल है, ये स्टेरॉयडल ड्रग को आपने मेटाबोलाइज कराना है, तो ये कैसे होगा, ये कौन से रिएक्शन के अंदर से मेटाबोलाइज हो जाएगा? ये जाएगा आपका फेज टू के अंदर। अब फेज टू के अंदर आप ऑलवेज ये याद रखिए कि स्टेरॉइड्स जो हैं दे अंडरगोज सल्फेट कॉन्जुगेशन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सल्फेट। आइए कुछ लॉन्ग आंसर्स देखें हम। पहला है, व्हाट आर द माइलस्टोन्स फॉर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री? अब आपने जितनी पूरी हिस्ट्री पढ़ी उसमें से कुछ अचीवे जो माइलस्टोन्स हैं
वो आपने आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फिजिको केमिकल पैरामीटर्स विच अफेक्ट द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। आपने वो फिजिको केमिकल पैरामीटर्स लिखने हैं जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे सॉल्युबिलिटी, फिर आपका आयनाइजेशन, फिर पार्टीशन कोफिशिएंट, ऐसे करके जो आपने फिजिकोकेमिकल पैरामीटर्स पढ़े थे वो सारे आपको इसमें इंक्लूड करने हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका राइट फेज वन एंड फेज टू रिएक्शन इन डिटेल। यहाँ पर आपको फेज वन के तीनों लिखने होंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस। फेज टू के भी सारे, मिथाइलेशन, अमीनो एसिड कॉन्जुगेट, सल्फेट कॉन्जुगेट, ग्लूकोर्निडेशन, सारे के सारे ये आपको यहाँ पर कवर करने होंगे। इसके बाद अगर हम कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात करें तो पहला है एक्सप्लेन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन अंडरगोज थ्रू फेज वन। यहाँ पर आपको केवल ऑक्सीडेटिव रिएक्शन को एक्सप्लेन करना, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। फिर नेक्स्ट है राइट ग्लूकोर्निडेशन रिएक्शन फॉर फेज टू। यहाँ भी सिमिलर, केवल आप ग्लूकोर्निडेशन को एक्सप्लेन करेंगे, आगे पीछे का फेज टू का पार्ट नहीं इंक्लूड करेंगे। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई ए डी एम ई? आप ए डी एम ई से क्या समझते हैं? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इनके बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं वो आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म, यानी कि ऐसे फैक्टर्स लिखने हैं जो ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हो। जैसे कि एक फैक्टर आपका क्या होता है ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए, जेनेटिक, फिर एनवायरमेंटल, फिर क्लाइमेटिक, ऐसे सारे जो फैक्टर्स, फार्माकोडाइनमिक्स वाला, फिर इसके बाद में आपका टेम्पररी जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो, ये सारा कुछ आपने इसमें इंक्लूड करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज मेडिसिनल केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी? आईयूपीएससी सिस्टम में, आईयूपीएससी के हिसाब से मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या होती है ये आपको एक्सप्लेन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट समरी ऑफ फेज वन रिएक्शन। यहाँ पर आपको केवल फेज वन को एक्सप्लेन करना है समराइज्ड फॉर्म पे, तो यानी तीनों ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, तीनों का सम अप लिखना होगा आपने यहाँ पर। एक्सप्लेन रिडक्शन रिएक्शन फ्रॉम फेज वन, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल रिडक्शन रिएक्शन लिखना है विथ एग्जाम्पल्स। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ सल्फेट कॉन्जुगेट्स एंड अमीनो एसिड कॉन्जुगेट्स अंडरगो फेज टू रिएक्शन। फेज टू के अंदर सल्फेट कॉन्जुगेट्स और अमीनो एसिड कॉन्जुगेट्स कैसे बनते हैं इसके बारे में थोड़ा लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट आर बायो आइसोइस्टर्स एंड हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट। बायो आइसोइस्टर्स क्या है और वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इम्पॉर्टेंट है वो लिखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड पार्टीशन कोफिशिएंट इन बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग। तो जो दो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी, एक सॉल्युबिलिटी एक पार्टीशन कोफिशिएंट है, इन दोनों का क्या बायोलॉजी पे असर पड़ता है वो आपको लिखना है। व्हाई अ ड्रग इज नेसेसरीली अंडरगो सॉल्युबिलिटी एंड हाउ द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट ड्रग अफेक्ट्स द बायोलॉजिकल एक्शन। तो ये आपको यहाँ पर पूरा समराइज करना है। तो अगर आप ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड करिए, वहाँ से आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। थैंक यू सो